प्रदेश के बागपत जिले का वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ड्राइवर हेलमेट लगाकर रोडवेज बस चलाते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए यूपी रोडवेज की दुर्दशा पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल रोडवेज बस का विंडशील्ड टूटा हुआ था। खराब मौसम होने की वजह से हवा और बारिश से परेशान होकर ड्राइवर ने हेलमेट लगाकर बस चलाई, जिसका वीडियो सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बागपत दिल्ली सहारनपुर हाईवे का है, जिसे शनिवार को बनाया गया। बस लोनी डिपो की बताई जा रही है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जहां लोग खूब मजे ले रहे हैं, वहीं यूपी के परिवहन विभाग की भी पोल इससे खुल रही है। लोनी डिपो की बस को ड्राइवर हेलमेट पहनकर चलाता नजर आया। मौसम खराब होने की वजह से तेज बारिश और हवा की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ड्राइवर ने हेलमेट पहनकर बस सड़क पर दौड़ा दी। बताया जा रहा है कि जिसने ये वीडियो बनाया उसने बस का करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछा किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से परिवहन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।